कथा पुरानी। होलिका दहन की सुन लो कहानी। पुत्र थे अति बलवान, जिनकी गाथा करूं बखान। हिरण्याक्ष जब क्रोध में आया, धरती को ही जल में डुबाया। कविरनी बड़ी ही महान, जिसको मारे वीर हनुमान। प्रसन्न ब्रह्मा जी आए, देख असुर का तप मुस्काए। कश्यप सुन कर मुस्काया, ब्रह्मा की शरण में शीश झुकाया। सच्ची बात तुम्हें असुर बताऊं, ये वरदान मैं दे ना पाऊं। सुर प्राणी जो आए, मेरे हाथों मारा जाए। फल हो अस्त्र शस्त्र का वार, चाहे कोई भी करे प्रहार। पाताल या भूमि आकाश, कहीं पे भी ना हो मेरा नाश। ब्रह्मा ने
वर किया प्रदान, वर देकर हुए अंतर ध्यान। कश्यप कुछ जान न पाया, देवताओं ने असुरों को हराया। बनाए इंद्र कया धु को स्वर्ग मिलाए। कराए कया धु को लेके धरा पे आए। प्रहलाद भागवत पाठ को कर लिए याद। ओ हिरण्यकश्यप तब क्रोध में आया, असुरों की सेना वो सजाया। गिराया यज्ञ हवन सब बंद कराया। शुरू करवाया हिरण्याय नम मंत्र बताया। लगी तब हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। समय पर कुछ दिन बाद कया धु से जन्म लिए प्रहलाद। चार पुत्र अनहल्लाद हल्लाद
से बुलाया। पूछा गुरु ने क्या पाठ पढ़ाया, कश्यप तब क्रोध में आया, अपनी भक्ति ही धर्म बताया। प्रहलाद है माना, क्रोधित हुआ असुर बलवाना। तले दबवाया, फिर भी भक्त को मार न पाया। सप्तमी फाल्गुन आया, पुत्र को असुर ने बंदी बनाया। आठ दिनों तक दिया भीषण दास, विफल हो गए सारे प्रयास। ओ कश्यप होलिका को बुलाया, मुँह बोली बहना को समझाया। चादर मुझको बचाए, तन ढक लूं तो जला नहीं पाए। चिता में जाओ, आग के बीच में इसको जलाओ। कश्यप जनता को बुलाया, चिता में उसने आग लगाया। मचा कोहराम, भक्त जपे विष्णु का नाम। हिरण्यकश्यप तब क्रोध में आया, पुत्र
तलवार। विष्णु ने लिया नरसिंह अवतार, मुख मानव तन धारी, अति भयंकर भव भयहारी। न हुई थी शाम, गूंज रहा था हरि का नाम। असुर को जंघे पर बैठाए, पेट में नाखून को वो धसाए। शस्त्र के किए संहार, हरे धरा से पाप का भार। होकर सभी नाचे गाए, रंग अबीर गुलाल उड़ाए।